दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिस तरह कबीर, रहीम और भिखारी दास का संत कवियों में श्रेष्ठ स्थान है, उसी तरह दादू दयालु धर्म प्रचारक, समाज सुधारक कवि थे। मध्यकालीन साधकों में उनका प्रमुख स्थान था। अपनी सीधी सादी वाणी में लिखे उनके दोहे जहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं सामाजिक दृष्टि से उनमें मानव मात्र के प्रति सहानुभूति और एकता का संदेश मिलता है। उनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि एक ब्राह्मण को अहमदाबाद की साबर नदी में एक बच्चा मिला था, वह दादू दयाल था। दादू का आविर्भाव 1601 में हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में सत्संग तथा योग साधना करने के लिए निकल पड़े। उनके गरीबदास तथा मिक्किनदास नामक दो पुत्र थे। सांसारिक जीवन का त्याग करके वे ईश्वर भक्ति में रम गए। 1660 में वे महाप्रस्थान कर गए। उनके दादू पंथ की गद्दी उनके दोनों पुत्रों ने संभाली थी। संत दादू दयाल ने धार्मिक एकता का पाठ लोगों को पढ़ाया। वे बड़े दयालु और साधु पुरुष थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं पाया था। लोग उन्हें दयालु के नाम से जानते थे। कुछ दुष्ट लोगों ने उनकी दयालुता की परीक्षा लेने के लिए उन्हें साधना में लीन देखकर उनकी कोठरी को ईंटों से चुनवा दिया था। जैसे ही अन्य लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन दीवार गिराकर दुष्टों को सजा देने की सोची, लेकिन दादू ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। दादू दयाल ने 20,000 पद और साखियों की रचना की थी, जिनमें हरड़े वाणी, अंगवधु आदि शिष्यों द्वारा संग्रहित हैं। उनकी भाषा सरल ब्रजभाषा है। ऐसी लोक मान्यता है कि अकबर बादशाह ने उन्हें फतेहपुर सिकरी बड़े आदर से बुलाया था। बादशाह ने उनसे पूछा था कि खुदा क्या है और क्या जात है, तो दादू ने उत्तर दिया, इसक अल्लाह की जाति है, इसक अल्लाह को रंग, इसक अल्लाह मौजूद हैं, इसक अल्लाह को अंग। अकबर बादशाह उनके इस उत्तर से बहुत खुश हुए। दादू ने श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों के साथ साथ ईश्वर भक्ति हेतु नम्रता का विशेष महत्व दिया। कबीर को वे अपना गुरु मानते थे। दादू पंथ के अनुयायी भगवा वस्त्र धारण कर हाथ में तुम्बा रखते हैं। उनकी याद में आज भी नारायणी गांव में वार्षिक मेला भी लगता है।